कोशिश दो करें, एक ये कि चार में कम से कम रहें जितना कम हो सकता है और दो में ज्यादा से ज्यादा रहें। कि which thing is in which quadrant, especially important ये मुश्किल काम है। असल टेक्निक ये है, अगर इंसान हम लोग ये समझ जाए ना, किसी भी एक्टिविटी को कैटेगराइज कर सकें कि ये टू की है या वन की है, अगर ये एबिलिटी हो जाए तो फिर हमारे लिए शायद और फोकस करना आसान। इसके एग्जांपल है ना कि आपकी अब तो कोई ईमेल आती है, आप उसको खोल लेते हैं, फिर वो लिंक आगे से आगे खुलता जाता है, तो वो आप ना ना नहीं भी चाह रहे तो वो आपका कुछ चाहे 10 मिनट या 5 मिनट आपका टाइम ज़्यादा बहुत हो जाता है। उसके लिए भी आपको पहले से ही प्लान में रखना चाहिए कि ये हो सकता है 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मेरा ज़ाया होगा, तो ये आपके जहन में हो कि इस पोर्शन में भी टाइम मेरा ज़ाया हो सकता है। लेकिन लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ना हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट टू माई टाइम आएगा कहाँ से स्पेंड करने के लिए, कहीं से तो आएगा ना, ये टाइम तो वो 24 आवर है, कहीं से तो आएगा, वो आएगा ही क्वाड्रेंट 4 से, निकलेगा ही क्वाड्रेंट 4 से। तुम गए अच्छा, कुछ घरों में ये रिवाज है सुबह टीवी ऑन करते हैं और रात को कहीं 11 या 12 बजे टीवी बंद करते हैं। मैंने कुछ घर ऐसे देखे सारा दिन वो टीवी चलता रहता है और कुछ भी उस पर आता रहता है, देखते रहते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, वेस्ट। वो कहाँ ये एक्टिविटी कहाँ फॉल करेगी, फोर में वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ट्रू रिक्रिएशन ये होती है कि आप इंजॉय करें, अगर कोई प्रोग्राम है, कोई टॉक शो आ रहा है, आप सही इंग्रॉस्ड हैं उसके, इंजॉय कर रहे हैं, उसे कुछ हासिल भी आपको हो रहा है, वो फिर मज़ा आता है उसको देख कर, राइट। वरना अगर सुबह से शाम तक आप टीवी चला के घरों में रखते हैं तो बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, घर वालों का, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप नहीं भी देख रहे टीवी चल रहा होता है, इंटरनेट इज अनदर टाइम वेस्ट। इट हैज सो मेनी एडवांटेजेस इटसेल्फ, ऑफ कोर्स इट डज, बिकॉज इतना उसके अंदर नॉलेज इतना है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर। Young generation is ending up wasting a lot of their time in this, और वो कहाँ फॉल करता है quadrant reverse में, उनको बचाएं उससे, उस wastage से बचाएं, ये नहीं कि उनको internet ना use कर लेते, productive कामों में use करें, लेकिन time waste से बचाएं। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। नहीं कि ये क्वाड्रेंट शिफ्ट की तो आपने अभी खुद एग्जांपल प्रैक्टिकली करके बता दी, जब आपने देखा कि टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है तो आपने कई चीज़ें स्किप करके इम्पॉर्टेंट की तरफ चलेगी, आप अर्जेंट हो अच्छा आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं 5 मिनट साहब ने कहा कि 10 मिनट मेरे पास है, मेरे पास 5 मिनट और रहेंगे, एक थोड़ा छोटा सा तजुर्बा करते हैं, ऐसे करते हैं कि मैं आपको जब 1 2 3 कहूँगा तो आपने खड़ियाँ नहीं देखनी है प्लीज़, और आपने हाथ खड़ा करना है जब आप समझें कि 1 मिनट पूरा हो गया, और गिनती भी नहीं करनी है, वो एक तरीका होता है ना 1 2 3, वो गिनती भी नहीं करनी है प्लीज़, इट्स जस्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। तो जब मैं कहूँ 1 2 3 तो मैं खड़ी देखे, आपने वहाँ से मिनट काउंट करना शुरू करना है, और जब आप समझेंगे कि मिनट हो गया तो हाथ सामने खड़ी तो नहीं काउंटिंग नहीं करनी है, अपना अंदाजा बताना है, जब मिनट आप समझेंगे पूरा हो गया 1 2 3 गो। सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ना अभी चार से जरब दे अब मैं आपको एक बड़े मजे की बताऊं, पहला हाथ उठा 10 सेकंड्स में, ठीक है, मिनट अभी भी सर पूरा नहीं हुआ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब जब मिनट पूरा होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी मिनट पूरा नहीं हुआ। ये आपकी खड़ी वाला मिनट बहुत लंबा है। अब मिनट ये मैंने इतना किया है लोगों के साथ, और आप यकीन करें मैं अभी तक इसमें फेल हुआ, पहला हाथ 10 और 15 सेकंड के बाद उठ जाता है कि जी मिनट पूरा हो गया, और मेजॉरिटी हाथ 30 सेकंड उठ जाते हैं कि जी मिनट पूरा हो गया। तो ये अहमियत हम 1 मिनट को देते हैं, तो इसी हिसाब से हम 1 घंटे को भी ऐसे ही समझते होंगे कि आधा घंटे का घंटा पूरा हो गया, 1 मिनट सर बहुत टाइम होता है, ठीक है, खामोश बंदा रहे। आप कभी घर पे ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ करके देखिएगा, 1 मिनट बहुत वक्त होता है, इसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मिनट बहुत कीमती वक्त होता है,
यूनाइटेड स्टेट्स में एक मैं स्टडी देख रहा था, वहाँ पे ये हुआ कि डॉक्टर, वहाँ तो आपको पता है इंश्योरेंस सिस्टम होता है और वो डॉक्टर्स अच्छे पे होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियाँ कवर करती हैं उनको। वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम ये लगाया कि डॉक्टरों को मजबूर किया कि वो एक खास नंबर ऑफ पेशेंट हर शिफ्ट में देखेंगे 8 घंटे में, और आई थिंक उनको कोई 12 या 15 मिनट का टाइम एक पेशेंट के साथ मिलता था। अगर वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे पेशेंट के साथ, उनके बोनस कटते थे, उनकी इनकम में वो कटौती होती। डॉक्टर्स से बहुत डिससेटिस्फाइड हो गए और कई डॉक्टर्स ने ये प्रोफेशन छोड़ दिया। ये बाकी स्टडी है, और कुछ लोग दूसरी वॉक्स ऑफ उसमें चले गए, यानी इस को छोड़ के सर्जरी में चले गए और किसी मेडिसिन प्रोफेशन में चले गए। उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वी आर हियर टू हील। अब एक 90 या 80 साल का पेशेंट मेरे पास आ जाता है, 5 मिनट तो उस बेचारे या बेचारी को लगते हैं टू गेट ऑन द बेड, मतलब वो अगर मैं उसको कहूँगा लेट जाइए तो 5 मिनट में तो वो बेचारा लेट पाता है। उसके बाद अगर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचेंगे तो फिर मैं क्या उसका ट्रीटमेंट करूँगा। तो ये बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब आप यू नो हीलर्स होते हैं, जब आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये बात मिनट से आई है, तो एक मिनट की कितनी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है। तो ये इसको इसको मैं हर जगह करता हूँ, यहाँ भी किया है, तो आप इसको समझें। जितनी वैल्यू हमने एक मिनट की लगाई, आधा 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 मिनट, इतनी वैल्यू शायद हम घंटे की भी लगाते हैं। तो इसका इसको नोट करके चलना चाहिए। अच्छा, बस एक लास्ट चीज पे मैं कंक्लूड करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट पे हमारा एक कल्चरल इशू है, हम ना नहीं कह सकते। ना कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ना किस तरह कही जाए। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं हाउ टू से नो। ना कहने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि उसको इम्पर्सनल बेसिस पर ले जाए कि आप तो यस कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं सक पाते, सॉरी, या मैं काश मैं आपको हाँ कह सकता लेकिन मैं कह नहीं सकता। ये चीज़ बोलिए, कोई हर्ज नहीं, बोलिए, आपके लिए आसान हो जाएगा ना कहना। Put it on impersonal basis. इससे बड़े टाइम मैनेजमेंट के जो इल्स हैं वो ठीक होते हैं जब आप ना कहना सीख जाते हैं। Make it clear that you would like to say yes, but you cannot. उस बंदे को ये भी एहसास दिलाइए कि आपने उसकी रिक्वेस्ट को अच्छी थॉट दी है, और उसको बताइए कि हमने आपके बारे इस तजवीज के या इस राय के बारे में बहुत सोचा, मशवरा किया, लेकिन ये हम कर नहीं पाएंगे इसकी वजह। तो उसको पता चले कि आपने उसको थॉट दी है, आपने उसके ऊपर सोचा है, फिर वो आपसे नाराज होके नहीं उठेगा। कैन दिस बी डन? यस, इट कैन बी डन। अगर आपके पास 2-4 मिनट हो उस बंदे के लिए, तो आप उसको उसके मुंह से नो कहलवा सकते हैं। वो खुद नो करके उठेगा कि नहीं, मैं समझता हूं कि ये काम नहीं हो सकता। This is the best thing that ना कहते हो उसे ये भी बताइए कि यस कहने के लिए कौन से स्टेप्स हैं। जब आप यस कहेंगे तो उसको क्या क्या करके लाना है, तब आप यस कह लेंगे उसके लिए। And this is last but not the least. Say it in the most nicest, warmest way you can. No कहें, लेकिन बहुत अखलाक से और तरीके से कहें। बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट इश्यूज इससे खेल हो जाते हैं जब आप ना कहना सीख जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम जी। इट वाज प्लेजर टू बी हियर, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग, एंड आई रियली एंजॉयड दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।